आइए चार मिसरे देखें माँ के हवाले से। अंबर भाई हम यार बैठो ना। हाँ बोलिए बोलिए। जिस वक्त 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 जिस वक्त बिला ताखिर मैं ये चार मिसरे हाजिर कर रहा हूँ कि जिस वक्त 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 अपनी माँ का चरण चूम रहा था, जिस वक्त अपनी माँ का चरण चूम रहा था, जिस वक्त 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 अपनी माँ का चरण चूम रहा था, ऐसा लगा अनमोल रतन चूम रहा था, ऐसा लगा। जिस वक्त 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 रुक गया भाई, 2 मिनट बिकर मालक पहरा लो, बोलो यार। शुक्रिया आप लोग फिर से नवाजी उस्ताद फिर से। कि जिस वक्त 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 अपनी माँ का चरण चूम रहा था, ऐसा लगा अनमोल रतन चूम रहा था। और दोस्तों अगर अपने देश से मोहब्बत प्यार रखते हैं तो आप इस शेर पे खामोश नहीं रहेंगे, तालियों के गड़गड़ाहट से आपकी तालियां गूंज उठेगी। कि जिस वक्त अपनी माँ का चरण चूम रहा था, ऐसा लगा अनमोल रतन चूम रहा था, और जख्मों से चूर होके गिरा जब जमीन पर अब्दुल हमीद खा के वतन चूम रहा था। अब्दुल हमीद खा के वतन चूम रहा था। अब्दुल हमीद खा के वतन। शुक्रिया दोस्तों, तुम्हारे आप लोगों ने लाज रख ली। जिंदाबाद करधना के लोगों, वासिफ बनारसी को इस तरह सुना जाता है, अपने कन्विनरे मुशायरा को इस तरह सुना जाता है, सदरे मोहतरम को किस तरह सुना जाएगा इसका अंदाजा मुझे लगा। और एक तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। इतना कामयाब मुशायरा हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं, लोग छतों पे बैठे हैं हजारों की संख्या में, लोग घरों से बैठ के सुन रहे हैं, सबके घरों में एक एक लाउड स्पीकर लगाया है, पहला मुशायरा है। एक एक कथा और समाप्त कर ले। मांगना काम मेरा, मांगना काम मेरा, मांगना काम मेरा उससे तलब करता हूँ, मेरा उससे तलब करता हूँ, मांगना काम मेरा उससे तलब करता हूँ, दे न दे वो मुझे किस वक्त दे उसकी मर्जी। क्या बात है, वो मुझे किस वक्त दे उसकी मर्जी, हूँ गुनहगार खतावार हूँ मुजरिम उसका, हूँ गुनहगार खतावार हूँ मुजरिम उसका, हंस के रोज मुझे वक्त दे उसकी मर्जी। के रोज मुझे बख्श दे उसकी मर्जी। आइए, मैं वैसे तरन्नुम का शायर हूँ, आवाज साथ नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक कुछ दे। अभी हमारे अंबर भाई, हमारे अंबर भाई को देख रहे हैं आप सरे शाम से ही कि वो अपनी जुल्फे बिखेरे जो है बैठे हुए हैं। अब इनको हम क्या कहें, अब नोच लेंगे आप हमारी, नीचे वाला कहें कि ऊपर वाला कहें, अब क्या कहें, बीच वाला कहें। जी जी, बच के रहना, हम लोग भी बहुत खतरनाक होते हैं। अलविदा तुमने जो अपने सर से आंचल कर दिया, अलविदा है, देखो शेर, देखो यार शेर, अरे यार क्या कह दिया, अलविदा है तुमने जो अपने सर से आंचल कर दिया, कितने दिल जख्मी हुए, कितनों को घायल कर दिया। है क्या कहने का अंदाज भाई। और मरमरी ये जिस्म, ये गोरा बदन, मतवाली चाल, उस पे एक कातिल अदा कितनों को बिस्मिल कर दिया। क्या कहा, क्या कहा, वाह। आके मेरी बज्म में जिस समत रखा है कदम, आके मेरी बज्म में जिस समत रखा है कदम, तेरे पाए नाज ने खद्दर को मखमल कर दिया। वाह वाह वाह, तेरे पाए नाज ने खद्दर को मखमल कर दिया।
हो रही हैं लड़कियां क्यों कर दरिंदों का शिकार। वाह, ये दिल्ली का पहला रेप कांड हुआ था, उस वक्त मैंने ये गजल लिखा था कि हो रही है लड़कियां क्यों कर दरिंदों का शिकार, हाँ मगर तुमने हमारा हल मसायल कर दिया। के रात दिन लेकर मोबाइल खेलती रहती हो तुम, रात दिन लेकर मोबाइल खेलती रहती हो तुम, जब भी जिस आशिक को चाहा फोन डायल कर दिया। है क्या कहा, जब भी जिस आशिक को चाहा फोन डायल कर दिया। आइए अब तरन्नुम में थोड़ा सा, किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए, चौधरी सपना के सब लौंडे दीवाने हो गए। उठाकर बीबी ने मुझसे कहा, आपको पीटे हुए कितने जमाने हो गए। उस्ताद आप पे तो, उस्ताद आप पे तो नहीं गुजरी है, ए उस्ताद आप पे तो नहीं गुजरी है ऐसी वैसी। ऐसा है कि इश्कबाजी का मजा वाकई ज़ईफ़ी में आता है, हालांकि इश्कबाजी ही तक इसके आगे नहीं। वाह वाह वाह, बात समझ में आई। हम शायरों का वो जिंदगी है, एक वाक्य एक वो जोक सुन ले आपने कि एक शायर ने अपनी बीबी से कहा कि ये बताओ कि अगर मेरा बेटा भी शायर बन जाएगा तो क्या होगा, तो बीबी ने तपाक से जवाब दिया, होगा क्या, जवानी आपने खराब की, बुढ़ापा वो खराब करेगा। तो ये है शायरों की जिंदगी। असल में बाद में समझ में आया है। गजल का मतलब हाजिर कर रहा हूँ। अगर ये लोग किसी से मोहब्बत कर बैठे, वो भी कहेगी हमको बाद में पता चला। जिस चैन से जिस्त बसर हो ये जरूरी तो नहीं, वाह, चैन से जिस्त बसर हो ये जरूरी तो नहीं, चैन से जिस्त, चैन से जिस्त बसर हो ये जरूरी तो नहीं, या मुसीबत में गुजर हो मुसीबत में गुजर हो ये जरूरी तो नहीं, चैन से बसर हो ये जरूरी तो नहीं। और शेर शायर वासी बनारसी स्टेज के लोगों माइक पर, काम बंदे का है वो रब से दुआ करता है, काम बंदे का है वो रब से दुआ करता है, वो रब से दुआ करता है, हाँ दुआओं में असर हो ये जरूरी तो नहीं, हाँ दुआओं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वासिफ भाई, असर हो ये जरूरी तो नहीं, चैन से जिस्त बसर हो ये जरूरी तो नहीं,
चैन से और बहुत अच्छे भाई चार मतला और देखे चार एक मतला दो तीन शेर एक मतला नहीं नहीं एक मतला दो तीन शेर और देखे चार मिश्रा पढ़ दे तीन शुक्ला पढ़ दे पांच पाड़े आठ तिवारी हर तरफ जुल्मो जफा है जिंदगी खतरे में है हर तरफ जुल्मो जफा है जिंदगी खतरे में है हर तरफ जुल्मो जफा है जिंदगी खतरे में है सहमे सहमे सारे गुल हैं सहमे सहमे सारे गुल हैं हर कली खतरे में है सहमे सहमे सारे गुल हैं हर कली खतरे में है और शेर देखें नेक बंदों की हिफाजत करना है मौला मेरे नेक बंदों की हिफाजत करना है मौला मेरे नेक बंदों की हिफाजत करना है मौला मेरे गल्प है शैतान का और बंदगी खतरे में है और बंदगी खतरे में और शेर देखे सहमे सहमे सारे गुल हैं हर कली खतरे में है और ये बख्श दे अमनो अमा हर संत मेरे मुल्क को वाह क्या कहा बख्श दे अमन दुआया शेर आप लोग समाप्त करें कि बख्श दे अमनो अमा हर संत मेरे मुल्क को भाईचारा एक त्या और दोस्ती खतरे में है भाईचारा एक त्या और दोस्ती खतरे में है भाईचारा एक बार फिर से पढ़ दें उस्ताद इस शेर को एक बार दोहरा दें हाँ मुकर्रर इमरान बनारसी अमा माला पहना रहे हैं हर संत मेरे मुल्क को बख्श दे अमनो अमा हर संत मेरे मुल्क को भाईचारा एकता और दोस्ती खतरे में है हर तरफ जुल्मो जफाए जिंदगी खतरे में है और शेर देखे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं मगरबी तहजीब ने ली इस तरह अंगड़ाइयां है क्या खूबसूरत शेर है मगरबी तहजीब ने ली इस तरह अंगड़ाइयां दौर है उरियानियत का दौर है उरियानियत का आदमी खतरे में है हर तरफ जुल्मो जफा है जिंदगी खतरे में है और बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं वाच हुक्मरानी आपकी है आपका है रोबदार है क्या कहा हुक्मरानी आपकी है आपकी है रोबदार होश में खतरे में है होश में आ जाओ वरना मुल्क भी खतरे में है और भाईचारा और ये अब दोस्ती खतरे में है जुल्म की काली घटा मंडरा रही है अब्र पर जुल्म की काली घटा मंडरा रही है अब्र पर चांद को आगाह कर दो चांद को आगाह कर दो चांदनी खतरे में है चांद को
को आगाह कर दो, चांदनी खतरे में है। और ये शेर देखें, एक बाला डाई की तरफ से मोइनुद्दीन भाई आपके हाथ में जाए। दोस्तों, किसानों का आंदोलन चल रहा है, सब मुझे बेहद पसंद है, और मैं पंजाब से लेकर बंगाल तक आपकी तरफ से हो जाए। अंबर भाई, किसानों का आंदोलन बनारस की तरफ से हो जाए, पंजाब से, इसने पूरी दुनिया को एक नई तहजीब सिखाई। वासी बनारसी के लिए तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। किसानों का आंदोलन चल रहा है पंजाब से लेकर भाई मुंशी राजा मुंशी जी, आप लोग ये शेर समाप्त करें। उस्ताद शायर वासी बनारसी को माल्यार्पण करते हुए शुक्रिया दोस्तों, बहुत खूबसूरत शायरी। ये शेर देखे, पंजाब से लेकर बंगाल तक जो है किसानों का आंदोलन इस वक्त जो है आंदोलन चल रहा है जी। शेर देखे कि मान लो कहना किसानों का न हरगिज़ ज़िद करो, मान लो कहना किसानों का न हरगिज़ ज़िद करो, मान लो कहना किसानों का न हरगिज़ ज़िद करो, मान लो कहना किसानों का न हरगिज़ ज़िद करो, वरना मजदूरों की खेती, वरना मजदूरों की खेती सब हरी खतरे में है, वरना मजदूरों की खेती सब हरी खतरे में है। हर तरफ है, हर तरफ जुल्मो जफा है, जिंदगी खतरे में मैं